तो हेलो गाइस, आप सब जानते हो कि UMT की का जो अपडेट है वो आता रहता है, लेकिन इस बार जो अपडेट आया है वो बहुत ही कुछ अलग सा है, कुछ यूनिक सा है, क्योंकि इसके अंदर एक मॉड्यूल वो पूरा ऐड किया गया है जो आज से पहले शायद नहीं था इसके अंदर, जिसका नाम है यूनिसॉक। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये किस काम में आता है और कौन कौन सा काम हमारा अब आसान होने वाला है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ प्यारी से कमेंट कर देना। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड करके, तो मैं इसका जो है आपको ट्यूटोरियल बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्या ख़ास बात है इस मॉड्यूल में, जिसकी मदद से हम कौन से फ़ोन को FRP रिमूव कर सकते हैं और कौन से फ़ोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस है यहाँ पर इसका, जो कि बहुत ही सिंपल सा है जो UMT ने दिया है हमें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर पांच फोल्डर है, जिसमें से एक जो, तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से मॉडल इसके अंदर होने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है पूरा स्पेक्ट्रम के लिए है, आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम के जितने भी फ़ोन है, आईटेल हो गया या फिर नोकिया का एक दो मॉडल है, सैमसंग का दो तीन मॉडल है, इसके अंदर बहुत कम मॉडल ऐड किए गए हैं, लेकिन शायद फ्यूचर के अंदर और अपडेट में ऐड होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि आईटेल के अंदर आपको पता होगा स्पेक्ट्रम के बहुत से सारे मॉडल ऐसे आते हैं जिसको लेकर हमें FRP के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये पूरा ADB के लिए है और फास्ट बूट के लिए है। आप फास्ट बूट में क्या क्या कर सकते हो वो दिया गया है और ADB के अंदर क्या दे सकते हैं वो हो सकता है इसके अंदर। ये है स्क्रीनशॉट का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। नीचे आप देख रहे हो वो जो है वो पॉड का है। तो यहाँ पर अब चले जाते हैं हम, मैं आपको सब बारी बारी दिखा देता हूँ। ये अगर TEAC मोड इनेबल है तो आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, इन्फो ले सकते हो और भी बहुत सा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ब्रांड आ जाती है, आप देख सकते हो आईटेल है, नोकिया है, अल्काटेल है, बहुत से मॉडल है। और जेनरिक CPU में चले जाओगे तो आपको स्पेक्ट्रम के बहुत से CPU मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देखो मेरे पास अभी फ़ोन है नहीं तो मैं आपको डेमो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ फ्यूचर में इसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये नई अपडेट है जिसको इंस्टॉल करना आप ना भूलेगा। इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा तो आप वहीं से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर कितने सारे ब्रांड है आप देख सकते हो, और ये सारे जो है उसके मॉडल्स हैं। तो बहुत इजी तरीके से जो हमें UMT GSM के अंदर हमें खोलना पड़ता था उसके लिए स्पेशल, तो ये अलग से उसका फोल्डर हो चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। स्पेक्ट्रम के हम सारे फ़ोन यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको UMT सपोर्ट एक्सेस के अंदर जाना है और यहाँ पर इंस्टॉलर में आप देख सकते हो न्यू कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और सीधा नीचे चले जाओगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम MB की है, 100 MB की भी नहीं है। और सिंपल सा उसको यहाँ पर कार्ड पे रख के आप स्टार्ट क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।